हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ड्रीम क्लास। ये स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक जो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन है उसको बेसिक से पढ़ा था। पिस्टिल का स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, की ओव्यूल जो होता है, जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम फीमेल गैमिटोफाइट्स भी बोलते हैं, या एम्ब्रियो सैक भी जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर्स को आज हम डिटेल में करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपने लास्टली पढ़ा था कि ओवरी जो है ओव्यूल को जोड़ती है। किसके थ्रू जुड़ता है ओव्यूल? ओवरी से, प्लेसेंटा के थ्रू। ये स्टूडेंट्स, तो उसमें जो स्टोक होती है कि जिससे वो जुड़ा होता है ओव्यूल ओवरी से, ओव्यूल सॉरी जो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा ने तो क्या किया, ओव्यूल को ओवरी से अटैच कर दिया, लेकिन प्लेसेंटा भी तो ओव्यूल से अटैच है। तो किस स्ट्रक्चर से, जिस स्ट्रोक से वो जुड़ा होता है, इस स्ट्रोक को बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। तो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ओव्यूल का, ये फ्यूनिकल जो होता है अपर, जो ऊपर स्टार्टिंग पे स्ट्रक्चर विजिबल आपको फ्यूनिकल, तो ये वो जंक्शन है जो प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ती है। अब क्या होता है, जो हमारा ओव्यूल है वो इस फ्यूनिकल के साथ, अपनी जो ओव्यूल की बॉडी है वो इस फ्यूनिकल के साथ फ्यूज हो जाती है एक रीजन पर, जिसको बोलते हैं हिलम। क्या बोलते हैं? हिलम। ये देखो, ओव्यूल की बॉडी है, बाहर बॉडी बनी हुई है और ये फ्यूनिकल है। अब इसके साथ जो फ्यूनिकल है ये फ्यूज हो गया, किसके साथ फ्यूज हो गया? हिलम के साथ। अब अगर जो हम आगे बात करें स्ट्रक्चर की, ये देखो इसके बाहर लेयर बनी होती है ओव्यूल के बाहर, उनको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट्स। और ये जो इंटेगुमेंट्स है पूरी बॉडी पर होते हैं, मतलब पूरी जो ओव्यूल्स की बॉडी होती है वो इस इंटेगुमेंट से कवर होती है, सिर्फ एक एंड को छोड़ के, जो ऊपर एक टिप होती है जहाँ से वो इंटेगुमेंट से कवर नहीं होती। वो जो कवरिंग होती है इंटेगुमेंट्स जो होता है, जहाँ वो मतलब वो जो पॉइंट होता है जहाँ इंटेगुमेंट्स नहीं होती, उस रीजन को बोलते हैं माइक्रोपाइल रीजन। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। इसको माइक्रोपाइल एंड भी बोला जाता है और माइक्रोपाइल पोल भी बोलते हैं। ये देखो, पूरी बॉडी जो है ओव्यूल्स की वो इंटेगुमेंट्स के साथ कवर है, लेकिन ये रीजन है जो इंटेगुमेंट से कवर नहीं है। अब इसके पीछे भी क्वेश्चन है कि क्यों ये रीजन जो है इंटेगुमेंट से कवर नहीं है। ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सैक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? यहीं होगी ना, यहीं मेल गैमेट आके फ्यूज करेगा। तो जो मेल गैमेट आएगा पोलन ट्यूब के थ्रू, वो कहाँ से एंटर करेगा? वो जो है पोलन ट्यूब मेल गैमेट को यहीं से लेकर आएगी, जहाँ से फ्यूजन, जिससे क्या होगी? एम्ब्रियो से फ्यूजन होगी। इसीलिए जो है ये पार्ट जो इंटेगुमेंट से कवर नहीं होता, और इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलेंट। क्या भी बोलते हैं? माइक्रोपाइलेंट। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड अगर जो हम देखें, नीचे अगर जो हम देखें बेस पे, तो एक एंड होता है जिसको बोलते हैं चैलेजल पोल। क्या बोलते हैं? चैलेजल पोल। और इसको चैलेजल एंड भी बोलते हैं। अब अगर जो हम आगे बात करें स्ट्रक्चर की, ये होती है अब बाहर वाली आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाली जो होती है इनर इंटेगुमेंट। इसके सेंटर में एक मास होता है सेल्स का, ग्रुप होता है सेल्स का, और उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या बोलते हैं उसको? न्यूसिलस। क्या बोलते हैं? न्यूसिलस उसको बोला जाता है। ये देखो, अब इस न्यूसिलस के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो सैक। क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। अब जब हम बात कर रहे थे ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, वो कहाँ होता है? वो मेन होता है सेंटर ऑफ द न्यूसिलस। न्यूसिलस खुद ग्रुप है सेल्स का, जिसके सेंटर में क्या पाया जाता है? एम्ब्रियो सैक, मतलब फीमेल गैमेट इसके अंदर होता है। एम्ब्रियो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होगा वो इसमें होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? फ्यूनिकल जो होता है वो पार्ट होता है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है। प्लेसेंटा ओव्यूल एक दूसरे से फ्यूनिकल से जुड़े होते हैं, और फ्यूनिकल जो है आगे ओव्यूल बॉडी फ्यूज हो जाएगी फ्यूनिकल के साथ इस रीजन से, जिसको बोलते हैं हिलम। फिर हमने पढ़ा इंटेगुमेंट्स पूरी इस पे होती है, जो इसको प्रोटेक्ट करती है, बचा के रखती है। सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं होती जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करेगी, वो होती है माइक्रोपाइलेंट। इसके अपोजिट होता है चैलेजल एंड। अब जो बाहर वाली इंटेगुमेंट होती है आउटर इंटेगुमेंट,
अंदर वाली होती है इनर इंटेगमेंट, सेंटर में होता है न्यूसिलस, और ये जो सेंटर में होता है न्यूसिलस के उसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। अब स्टूडेंट्स, ये जो ओव्यूल है, जो एम्ब्रियो सैक है, जो ओव्यूल बने हैं हमारे, इसको हम क्या भी बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। क्या भी बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। आपको पता होगा मेगा स्पोरेंजियम जो है, ये टर्म हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, मतलब एक ओव्यूल के लिए, एक मेगा स्पोरेंजियम के लिए हम टर्म यूज करते हैं मेगा स्पोरेंजियम, और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, ये यूज करते हैं प्लूरल के लिए। सिंगुलर के लिए हो जाता है मेगा स्पोरेंजियम, और ज्यादा के लिए हो जाता है मेगा स्पोरेंजियम। अब स्टूडेंट्स, मेगा स्पोर्स का बनना, लास्ट जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था मेल गैमेटोफाइट के केस में, उसमें हमने क्या पढ़ा था? मेगा माइक्रोस्पोर्स का बनना माइक्रोस्पोर मदर सेल से, उसको क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या होगा? मेगा स्पोर्स बनेंगे, किसकी डेवलपमेंट होगी? मेगा स्पोर्स बनेंगे किसके थ्रू? मेगा स्पोर मदर सेल्स से। इसको हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। आपको पता ही होगा मेगा मतलब लार्ज साइज का होता है, जेनेसिस मेगा स्पोर लार्ज साइज का फीमेल गैमेट, जेनेसिस फॉर्मेशन होना। तो हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और मेगा स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय रिडक्शनल डिवीजन, बाय रिडक्शनल डिवीजन। और रिडक्शनल डिवीजन किसको बोलते हैं? या बाय मियोसिस। अब स्टूडेंट्स आ जाता है हमारा कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, जो मेगास्पोरिंजिया होता है, इसी में क्या होते हैं? मेगास्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो फर्दर मेगास्पोर्स बनाएंगी। तो जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, हम इस एमएमसी को ही मेगास्पोर मदर सेल्स बोल रहे हैं। ये कैसी होती है नेचर में? डिप्लोइड होती है। कैसी होती है? डिप्लोइड होती है, 2n होती है। जब इसमें मियोसिस होती है, उसके बाद क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल्स में क्या होगी? मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद इसमें क्या बनेंगे? मेगास्पोर्स। क्या बनेंगे? मेगास्पोर्स बनते हैं। और ये जो चार मेगास्पोर्स है, तो क्या बनते हैं? दो मेगास्पोर्स बनते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? मेगास्पोर डायोड। मेगास्पोर दो को क्या बोलेंगे? डायोड, डायड, मेगास्पोर डायड। वन थिंग स्टूडेंट, जो मेगास्पोर मदर सेल है डिप्लोइड होती है, फिर इसमें म्यूसिस हुई, म्यूसिस को हम क्या भी बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है, जैसे ही मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बने, तो डिप्लोइड से क्या बना देती है? हैप्लोइड। क्या बना देती है? हैप्लोइड। की डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, उसके कम हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। अब इनमें क्या होगी? फर्दर रिडक्शनल डिवीजन होगी, क्या होगी? दो और मेगास्पोर बनेंगे, इससे भी दो बने और इससे भी दो बने। तो ये जो होते हैं हमारे पास, क्या आ जाते हैं? मेगास्पोर टेट्राड। टेट्राड किसके लिए यूज करते हैं? वर्ड चार के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं? मेगास्पोर टेट्राड। और ये जो सारे डिवीजन हो रही होती है, अगर जो हम बात करें, सारी कहाँ होती है? इसी माइक्रोपाइल एंड पर ही हो रही होती है, इसमें ही हो रही होती है डिवीजन सारी। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी इस कंप्लीट को हम रब कर देते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ऐसी जो मेगास्पोर मदर सेल्स है, इसमें क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन, म्यूसिस, जिससे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है
नेक्स्ट मेगास्पोर्स जो बनेंगे उनमें हाफ हो जाएंगे। वो डिप्लोइड थे तो जो मेगास्पोर्स बनेंगे वो सारे कैसे बनेंगे, हैप्लोइड बनेंगे। अब देखो मेगास्पोर मदर सेल्स में क्या हुई, डिवीजन हुई। माइक्रोपाइलेंट की अगर हम बात करें, क्या माइक्रोपाइलेंट, ये स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे हम एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन में, कि कैसे मेगास्पोर जो डेवलप होते हैं मेगास्पोर मदर सेल से। तो ये तो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये माइक्रोपाइलेंट की हम बात कर रहे हैं। माइक्रोपाइलेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, न्यूसिलस, और ये सेंटर में अगर जो हम बात करें क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। फर्स्टली क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होगी, डायरेक्शनल डिवीजन, म्यूसिस होगी, जिससे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर जो है वो बनेंगे, दो बनेंगे माइक्रोस्पोर, जिसको क्या बोलते हैं, सॉरी मेगास्पोर, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर डायड, मतलब दो मेगास्पोर बने, किससे, म्यूसिस से। सेकेंड केस में क्या आता है, ये दो होंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे, और कितने बन जाएंगे, चार, और इनको हम बोलते हैं, इनमें फर्दर क्या होगी, म्यूसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी, फर्दर क्या बनेंगे, मेगास्पोर टेट्राड, क्या बन जाएंगे, मेगास्पोर टेट्राड, 1, 2, 3, 4, चार मेगास्पोर बन गए। और ये सारी प्रोसेसेस जो है कहाँ हो रही है, एम्ब्रियो सैक में। स्टूडेंट्स आप सभी को पता है एक ही ओव्यूल्स में क्या होता है, एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, वन ओव्यूल कंसिस्ट वन एम्ब्रियो सैक। अब ये जो मेगास्पोर टेट्राड बने हैं चार मेगास्पोर, इन चार मेगास्पोर में से क्या होगा, मेगास्पोर ए फीमेल गैमेटोफाइट, अब इनमें से क्या होगा, जो तीन मेगास्पोर है वो तो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, खत्म हो गए तीन मेगास्पोर, तो एक ही मेगास्पोर क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा, एक ही मेगास्पोर रहेगा, और इस मेगास्पोर को क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर, क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है,